Last time this is your Google Meet link. Come on, join Meet. मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टू यू। ओके नाउ वी शुड स्टार्ट। Today we are going to complete or start 10th lesson, the sermon at Banaras. The sermon at Banaras is philosophical lesson. It gives philosophical moral and teaching to the whole world. This chapter relates to the moral of death, decay and as you also know, particularly in your home, village, in your near to surrounding, everywhere, when any near dear dies of someone, then what happens? That hue and cry starts, remorse clock starts, people start to weep for long, long time. So all this has been preached here. What should one do in such situation? Here is the main character is and a lady named Kisha Gomati. And second character is the preach of the Lord Buddha, भगवान बुद्ध महावीर जो थे, क्या नाम है, भगवान बुद्ध ना वो थे, उनके उपदेश हैं इस गौतमी को। और बहुत दुखी है वो। सो एनी हाउ महावीर, दैट इज द गौतम बुद्ध, सक्सीड्स इन ब्रिंगिंग आउट फ्रॉम हर रिमोर्स सॉरो। सो लेट अस स्टार्ट द सर्मन एट बनारस। द डेफिनेट आर्टिकल, सर्मन इज नाउ, दैट इज द उपदेश, वह विशेष उपदेश एट बनारस, बनारस में, यानी बनारस का उपदेश, यानी लॉर्ड बुद्धा द विच सर्मन विच वॉज गिवेन बाय लॉर्ड बुद्धा इन वाराणसी। दिस स्टोरी, दिस लेसन इज गोइंग टू टॉक अबाउट दैट sermon that preached from the side of Buddha to a sorrowful lady. And this preach applies for the whole humanity also. Gautam Buddha, 563 BC to 483 BC, began life as a prince named Siddhartha Gautama. It is easy to understand. In northern India at 12, means 12 साल की उम्र में, in the age of 12, he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures and 4 years later he returned home to marry a princess. In the age of 12, Buddha was sent to get education in a pious school and you can say
हाँ, इन पायस हिंदू स्कूल यू कैन से नथिंग एल्स। एंड आफ्टर रिसीविंग 4 ईयर एजुकेशन बुद्धा रिटर्न्ड बैक टू हिज पैलेस टू हिज किंगडम एंड देयर ही गॉट मैरिड विद द प्रिंसेस नेम्ड यशोधरा। दे हैड अ सन मीन्स यशोधरा एंड बुद्धा हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 ईयर्स एज बिफिटेड रॉयल्टी। एंड आफ्टर मैरिज बुद्धा एंड यशोधरा पास्ट देयर 10 ईयर्स लाइफ चीयरफुली जॉयफुली प्लेजेंटली हैप्पीली विदाउट एनी डाउट हेजिटेशन प्रॉब्लम रियलाइजिंग एनी सॉरो इन हर्ट विथ ईच अदर। एट अबाउट द एज ऑफ 25 मीन्स नियर अबाउट व्हेन द प्रिंस वाज ऑफ 25 ईयर मीन्स ही रीच्ड टू द एज ऑफ 25 द प्रिंस देयर हियर टू फोर। हियर टू फोर का मतलब यहाँ से इस जगह से यानी 25 साल की उम्र के बाद से या उम्र से शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग। शील्डेड मीन्स कवर्ड केम टू नो अबाउट द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड व्हाइल आउट हंटिंग चार्ज्ड अपॉन अ सिक मैन। चार्ज्ड अपॉन मीन सडनली मेट विथ अ सिक मैन। वंस व्हाट हैपेंड बुद्धा वाज विजिटिंग टू जंगल फॉरेस्ट विद द पर्पज टू हैव हंटिंग प्लेजर हंटिंग स्पोर्ट एंड सडनली व्हाट हैपेंड व्हेन ही वाज ट्रेवलिंग विजिटिंग टू द गोइंग टू द फॉरेस्ट इन मिड ऑफ द वे ही मेट विथ अ सिक मैन। देन एन एज्ड मैन देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन। पहले बीमार से मिला फिर बूढ़ा से मिला और अंत में एक मरे हुए व्यक्ति से मिले हुज डेड बॉडी वाज बीइंग कैरिड बाय द पीपल टू बी फ्यूनरेटेड। देखो हाउ सिक्वेंस केम इन हिज लाइफ कैसे क्रम वाइज उसके जीवन में परिवर्तन आया। ऐसा नहीं कि ये भी हो सकता था पहले मरे हुए व्यक्ति से मिला होता फिर बीमार से मिलता फिर बूढ़े से मिलता लेकिन नहीं ऐसा नहीं है। हुआ क्या पहले वो बीमार से मिलता है फिर सॉरी हाँ फिर ओल्ड आदमी से बूढ़े व्यक्ति से मिलता है और तब मरे हुए से मिलता है। तो देखो हाउ प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आई डोंट नो वेदर इट इज राइट और रॉन्ग ट्रू और फॉल्स बट हाउ सिक्वेंस हैज बीन क्रिएटेड। हमारे आपके लाइफ में भी क्या होता है दिखाया जाता है होता है कि पहले आदमी सुख दुख दर्द झेलता है बीमार पड़ता है शरीर पे विपत्ति पड़ती है ऐसा पड़ते पड़ते या तो आदमी जल्दी बूढ़ा हो जाता है या तो कुछ समय लेकर बूढ़ा होता है लेकिन बूढ़ा होता है। मीन्स ऑल दीज सफरिंग सिकनेस अदर प्रॉब्लम्स वरीज लॉट ऑफ वरीज ढेर सारी चिंता ये वो यहाँ वहाँ की ये क्या है ऑल दीज आर द फैक्टर्स कारक हैं टू बी अ पर्सन एन एज्ड मैन। एंड जब बूढ़े होंगे तो ऐसी बात है कल को मर जाएंगे। तो एक सीक्वेंस इट हैज बीन शोन कि पहले वो उन फैक्टर्स के बारे में जानते हैं ड्यू टू विच अ ह्यूमन बीइंग सफर्स अ लॉट प्रोसीड्स टुवर्ड्स द डेथ एंड डिके दिस इज द पर्पज ऑफ दिस लेसन। सो पहले वह उस काज उस रूट से उस वजह से मिलते हैं कि यहां लोग झेलते हैं ये परेशानियां होती हैं। एंड आफ्टर दैट ही मीट्स with an old man who had reached to the old age only due to the factors of the worldly problems चिंता बीमारी सुख दुख आफत विपद etc 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 तब बूढ़े से मिलते हैं। and then he meets to a funeral of the dead body तब वह जो मरे हुए व्यक्ति को लोग ले जाते हैं तब वहां मिलता है उनसे यानी यह तब समझता है कि पहले सुख दुख आदमी के जीवन में है वो हमेशा कंटिन्यू चलाता है और उसके बाद उन सुख दुख से लड़ते जूझते आदमी का शरीर बूढ़ा हो जाता है क्षय की तरफ बढ़ता है और उस क्षय से होते होते इस कदर मिलता है कि एकदम नेस्तनाबूत ध्वस्त हो जाता है मर जाता है। ऑल दीज आर द फैक्टर्स कॉज एंड दस व्हेन ही केम टू नो अबाउट दिस सीक्वेंस देन ही बुद्धा रियलाइज दैट व्हाट इज लाइफ लाइफ इज नथिंग इफ यू लिव योर लाइफ देन यू सफर लॉट ऑफ प्रॉब्लम। If you live your life, you reach near to the older age where you suffer a lot, you depend on others. And being dependent on others, after some time you meet to a death.
एक दिन एक मृत्यु को मिलते हो आप, तो फिर जीवन है क्या? एंड दैट थिंग शॉक्ड हिम, गेव द डीप हर्ट इफेक्ट ऑन हिम. एंड फाइनली अ मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स, ALMS, L इज साइलेंट आर्म्स, आर्म्स में होता है बेगिंग, भीख. एंड देन फाइनली ही मीट्स विद अ पर्सन हु इज भिखारी, बेगर. दीज साइट्स सो मूव्ड हिम, सो मूव्ड हिम, सो मूव्ड का मतलब होता है टू कास्ट इफेक्ट डीपली. सो दिस साइट कास्ट अपॉन हिम द डीप इफेक्ट that he at once went out into the world to seek enlightenment. At once means अचानक, went out, निकल पड़ा from the palace to the world, open world, to seek means to find out enlightenment. Enlightenment means क्या होता है? Knowledge, ज्ञान, मोक्ष, high spiritual knowledge. Enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. वो निकल पड़ते हैं अपनी यात्रा पे, ही गोज इन सर्च ऑफ द हाई स्पिरिचुअल नॉलेज, इन सर्च ऑफ द कॉज, रूट कॉज ऑफ ऑल दिस सफरिंग्स, व्हाट एवर हैड बीन ऑब्जर्व्ड बाय हिम वेरी क्लोजली. ही वांडर्ड फॉर 7 years. अब WANDERED, वांडर्ड में होता है टू मूव एमलेसली. हालांकि उनका पर्पस था कि मैं खोजू कारण, लेकिन किसी पर्पस को सॉल्व करने के लिए फिक्स और सुरक्षित प्लेस चाहिए होगा, लेकिन जब तक आपको प्लेस नहीं मिलेगा आप उद्देश्यहीन घूम रहे हो. तो ही वांडर्ड, वांडर्ड में ही मूव्ड ऑन टू एंड फ्रो एमलेसली फॉर 7 years. एंड फाइनली फाइनली सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए. Where he vowed to stay, VOW means to take oath, vowed means took a oath, कसम खाया. To stay means to remain, stay there, to stop there, until enlightenment came. Finally, he sat under a peepal tree with the firm determination that he would not stand from there until and unless he would not receive the enlightenment. पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठ गए इस डिसीजन के साथ, फर्म डिसीजन के साथ कि अब जब तक मुझे ज्ञान नहीं होगा तब तक मैं यहां से हिलूंगा नहीं. इनलाइटेनमेंट इनलाइटेन आफ्टर 7 days मींस बीइंग इनलाइटेंड मींस रिसीविंग द स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज को प्राप्त करके, दैवीय गुण को प्राप्त करके. After 7 days, 7 दिनों के बाद, means when he said from sitting of the first day to the up to the last 7th days, on 7th days he found, he received knowledge. The nature became gracious upon him and made fall upon him the grace of nature. He renamed the tree the Bodhi tree, the tree of the wisdom, and began to teach and to share his new understandings. And after receiving his knowledge, he started to preach by wandering here and there, to and fro about his spiritual knowledge, spiritual wisdom. And then, so being enlightened under the peepal tree, when Lord Buddha received knowledge, spiritual knowledge, he came to know about the reality and root cause of the sufferings of the human life and all problems related to human life. Then he departed from there by giving name to that particular peepal tree, the Bodhi tree, that is the tree of the knowledge. He departed from there and moved to and fro in the whole world, and in doing so he preached a lot of people. At that point he became known as the Buddha, the awakened or the enlightened. And after receiving knowledge he became well known, famous among the people with the name Buddha. And meaning of the Buddha was the awakened. Awakened means the person who had got up from the sleeping. Means sone se, yani we, everybody of this world who is busy in physical and material world,
is sleeping, because what is the sole motto of life, of the birth of the human being? To receive enlightenment, to receive enunciation. What is enunciation? E-N-U-N-C-I-A-T-I-O-N. Enunciation means hota hai moksha. यानी ये जो एक अकॉर्डिंग टू हिंदू मिथोलॉजी देयर इज द सर्किल ऑफ डेथ एंड डिके एंड लाइफ अ पर्सन अ सोल गिव्स बर्थ बाय एंटरिंग इनटू द बॉडी इन द एम्ब्रॉयड ऑफ द मदर टेक्स बर्थ बिकम्स बिजी इन द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड एंड देन डाइज अगेन टेक्स बर्थ डाइज दिस इज द सर्किल ऑफ द लाइफ बट इन बिटवीन वन कैन get enunciation, that is कोई भी मोक्ष पा सकता है by dedicating and devoting self in the or on the path of the spiritual knowledge, that is on the path of the God, यानी भगवान के तरफ भगवान की तरफ जब आप भक्ति में डूबते हो according to Hindu mythology, then you will be able to receive enunciation, उस समय आपको मोक्ष मिलेगा यानी जन्म बंधन का जो सर्किल है आपका उससे दूर हो जाएगा तो आप उस समय जब आप इनलाइटनमेंट के पथ पे चलते हो तो एट दैट मोमेंट यू अवोक फ्रॉम योर स्लीप उस समय आप अपने सोने से जगते हो यानी हम लोग अभी सो रहे हैं हम भी सो रहे हैं आप भी हम लोग क्या व्हाट इज द रियल पर्पज ऑफ आवर व्हाट इज द मोटो वी डोंट नो वी हैव फॉरगॉट नो बट फॉरगॉटन हम लोग भूल चुके हैं अकॉर्डिंग टू हिंदू मिथोलॉजी और बुद्धा क्या किए जब उस सोने से जगे और धर्म की तरफ बढ़े भगवान की तरफ तो उन्हें नॉलेज हुआ तो वहां पे जो ही वो उस चीज को एहसास के करे तो सफरिंग है ये सब बेकार है हमारा पर्पस तो भगवान की तरफ जाना है इस जन्म मरण से दूर होना है आवर बॉडी आवर सोल डोंट हैव एनी सॉरी आवर बॉडी डोंट हैव एनी इंपॉर्टेंस एक्सेप्ट द सोल एंड सोल इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ऑलमाइटी दैट इज द स्टेट ऑफ द अवेकिंग जागने का तो इस तरह उन्होंने जाना एनलाइटनमेंट मीन्स होता है टू रिसीव द स्पिरिचुअल नॉलेज दैवीय गुण दैवीय के बारे में सोचना जानना कि नहीं जीवन मृत्यु क्या है सो दस बुद्धा रिसीव्ड एंड बिकेम लॉर्ड बुद्धा द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट द सिटी ऑफ बनारस आफ्टर डिपार्टिंग फ्रॉम अंडर द पीपल ट्री बुद्धा रीच्ड टू बनारस एंड देयर ही गेव हिज फर्स्ट सर्मन एस आर एम सर्मन मीन्स उपदेश पहला उपदेश वॉज गिवेन बाय बुद्धा इन द बनारसा बनारस मोस्ट हॉली ऑफ द डीपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगा डीआईपी डिप मीन्स गोता लगाना होता है जब उसमें आईएनजी लगता है तो डीआईपी जो है डबल पी हो जाएगा डीपिंग इसका मतलब ऐसी जगह बनारस की जो होली प्लेस थी गंगा किनारे जहां लोग गोता लगाया करते थे उस प्लेस पे वो गए और वहां वो जो था फर्स्ट उपदेश वॉज गिवेन बाई हिम प्रीच उपदेश यू कैन से सर्मन हैज बीन प्रिजर्व्ड मीन्स टू सेव कंप्लीटली फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रक्शन फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉय और डिस्ट्रक्शन मिट टू डिस्ट्रक्शन यानी प्रिजर्व का मतलब एकदम सुरक्षित बना करके रखना ताकि वह कभी क्षय या नुकसान ना हो खोए ना फटे ना जले ना सो हिज फर्स्ट सर्मन फर्स्ट उपदेश वॉज प्रिजर्व्ड बाई हिज प्यूपिल्स सेफली सो दैट इट माइट नॉट मीट to destruction or destroy might not destroy preserved and is given here and what was preached has been given under in different next passage it reflects the buddha's wisdom about one destructive inscrutable kind of suffering inscrutable means स्क्रूटिनी सुने हो ना एकदम डीपली किसी चीज को ऑब्जर्व कर लेना दैट इज कॉल्ड स्क्रूटिनी स्क्रूटेबल एबल टू स्क्रूटिनी यानी जिसका एकदम परीक्षण निरीक्षण किया जा सके इनस्क्रूटेबल मीन्स जिसे कि हम आप तो नहीं कर सकते बट द पर्सन ओनली हु हैज रिसीव्ड द नॉलेज स्पिरिचुअल नॉलेज दैट पर्सन कैन डू दैट स्क्रूटिनी ऑफ दैट थिंग सो हमारे आपके लिए इनस्क्रूटेबल है लेकिन वही बुद्धा जैसे लोगों के लिए जिन्होंने स्पिरिचुअल नॉलेज रिसीव कर लिया हो गेन कर लिया हो उनके लिए दैट इज वेरी सिंपल एंड इजी सो जो अब कह रहा है कि जो उपदेश नीचे दिया गया है उस उपदेश को आप सुनेंगे और वही दैट वाज द फर्स्ट उपदेश प्रीच फ्रॉम द साइड ऑफ बुद्धा इन द प्लेस वाराणसी एंड नोन एज नाउ इन दिस डेज सारनाथ किसा गोमती नाउ स्टोरी बिगिंस हियर How did he meet
with Kisa Gomati and how did he preach him her for the in relation to the death and decay. Kisa Gotami had an only son. Only son means only one. Ek hi beta, ek hi only one, nothing else, more than one. And he died, and due to unfortunate, due to bad luck, misfortune, that son met to death. उनका एक ही लड़का था, वो भी दुर्भाग्य से मर गया बेचारा. In her grief, she carried the dead child to all her neighbors. Grief means dukh, the extreme sorrow through which if someone passes, then forgets his her own existence. That is called grief. That situation is called grief. एकदम जहां मतलब आत्मा दहल कर रो, that is called grief. अब वो grief में अभी हम आपके अभी पढ़े नहीं हैं, बल्कि बड़े बुजुर्ग माँ बाप पढ़े हो, लेकिन हमें आपको अभी grief का एहसास नहीं है, grief क्या होता है. तो जब आप ये समझ सकते हो कि अगर किसी का एक ही बेटा हर वह मर जाए अचानक, तो फिर क्या होगा, कितना दुख पड़ेगा. सो सी फॉरगॉट द रियलिटी, सी फॉरगॉट हर एक्सिस्टेंस, अपना अस्तित्व और जो दुनिया की वास्तविकता है, परंपरा है, सी फॉरगॉट इन हर ग्रीफ, अपने दुख में वह सब चीज वह भूल गई. एंड बाई टेकिंग इन हर लैप दैट ओनली सन, डेड सन, सी स्टार्टेड टू रन टू एंड फ्रो ही एंड देयर टू द डिफरेंट मेनी नेबर्स एंड अदर पीपल, so that anyone might make alive that child. वह जो थी भागने दौड़ने लगी कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो anyhow उसके बच्चे को जिंदा कर दे. All her neighbors asking them for medicine and the people said she has lost her sense, the boy is dead. To whom she went, जिसके पास भी गई. Now everybody was knowing that the child has died or had died, then how could one can make alive him? There was no medicine to make alive anyone from the deathbed. So everybody thought that she had gone mad due to the death of her only dear near child. At length, Kisa Gomati met, at length means at some distance, after running to and fro here and there, then she suddenly, what happened, met with a man who replied to her request, and that person got effect due to her grief, due to her mourning for her dead child, and then being affected, that child, that person suggested her. And what was suggestion? Suggestion was, I cannot give this medicine for thy child, but I know a physician who can. In this line there is one word, thy, thy. Thy is, has sense you. In earlier English, thy is used at the place of you as a singular noun, singular person, pronoun. जैसे he होता है, वैसे ही you की जगह पे एक व्यक्ति के लिए thy दी होता था, और you जो है वो plural, एक से अधिक लोग हो, जैसे दो तीन चार, तो you होता था. तो जैसे you, your, your, yours होता है, वैसे ही thee, thy, दाइन होता है, दी दी दाऊ दाई दाइन. तो ये जो है दाई है, तेरा पॉसेसिव प्रोनाउन है, यू योर की जगह पे ये यूज हुआ है यहाँ पे. सो दैट पर्सन सेड दैट ही हैड नॉट मेडिसिन टू मेक अलाइव हर चाइल्ड, बट फर्दर ही टोल्ड दैट ही वाज नोइंग अ फिजिशियन, मींस अ डॉक्टर, हु कुड क्योर द प्रॉब्लम ऑफ किसा गोमती एंड हर child. And the girl said, means the girl means Kisa Gotami said that, pray tell me sir who is it, and Kisa Gomati requested to tell her who that person was, and the man replied, go to Shakya Muni the Buddha, and he replied that you must go to Shakya Muni, name Lord Buddha was also known with the name of Shakya Muni. So he told her, suggested her to go to the Lord Buddha so that he might cure her problem and